हाई गाइज आर वेलकम यू ऑल वंस अगैन ऑन इन साइट चैनल विच इज फेमस फॉर इट्स मार्ट वर्क एंड स्मार्ट वर्क इन अ वे की एक एक वीडियो से छः क्वेश्चन आते हैं इन सीरियस एग्जामिनेशन जहाँ पे क्वेश्चन प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल बात है क्यों बिकॉज यू पी एस सी एग्जाम पेपर सेट करता है नाउ दिस वीडियो इज एक्चुअली अ कॉन्टिन्यूएशन ऑफ लाइक इट्स पार्ट टू आई कैन से ऑफ हंड्रेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स ठीक है वैन आई टॉक अबाउट दीज मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स उसमें मैंने 50 अराउंड करंट अफेयर्स कराए थे और जो लेफ्ट ओवर करंट अफेयर्स है मैं वो इस वीडियो में कराऊंगी बाय बिकॉज दिस इज 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट एक्सपेक्टेड में मैंने आपके सिर्फ लास्ट के थ्री टू फोर मंथ्स रखे हैं उसके अलावा नहीं और यहाँ से क्वेश्चन इस वीडियो से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ठीक है सो प्लीज स्टार मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड प्लीज़ फिर मुझे भूल मत जाना

Coming to the first question, the Prime Minister of which country has declared the state of national emergency because वहाँ पे oil spill देखा गया anything that's related to environment gets extremely extremely important. इसके साथ साथ जितने भी volcanoes and eruptions देखे गए हैं वो भी बहुत ज़रूरी हैं because that will be seen in examination. ठीक है So इसका जो answer हो जाएगा that is Trinidad or Tobago. ठीक है Already मैं आपको BRICS जो है वो complete करा चुकी हूँ एक और बात मुझे add on करनी है BRICS का आपको ये भी पता होना चाहिए कि फाउंड कब किया गया था ब्रिक्स वॉज फाउंड इन 2009 और उस टाइम पे जो कंट्रीज थी जैसे जो जो है, तो stand for five countries, right? उस टाइम किया गया था, फोर कंट्रीज जिसमें आता है ब्राजील रशिया इंडिया एंड चाइना वेर एज साउथ अफ्रीका जो है इसने बाद में ज्वाइन किया और अब जैसे कि एक्सपेंशन देखा गया है so these countries have finally joined in. एंड ऑफिशियली वी हैव मोर नंबर ऑफ कंट्रीज एट अद ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी कंट्रीज ने ज्वाइन किया या अब कितने मेंबर्स हैं सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट ना और ब्रिक्स का जो नेक्स्ट समिट होने वाला है जो 2024 में होगा वो कहाँ होगा इट विल बी इन रशिया और uh, इस साल का 2023 का कहाँ था इट वाज इन जॉनसबर्ग 15th ब्रिक्स समिट और ये आपका होगा 16th ब्रिक्स समिट ठीक है मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनाइटेड नेशन ने ऑफिशियली पीस कीपिंग मिशन जो है कौन सी कंट्री में एंड किया है आफ्टर टेन लॉन्ग इर्स इसका क्या आंसर है द आंसर फॉर द सेम इज माली ओके फिर आ जाते हैं साइंटिस्ट ऑफ इजरो जिनको दिया गया है लेजेंड दे ओनर ऑफ फ्रांस ठीक है सो so, कौन सी इनका क्या नाम है इनका नाम है मिस वी आर ललिता ललिता अंबिक ठीक है तो ये भी आपको याद रखना है कमिंग टू द नेक्स्ट वन द इंडियन पोएट एंड क्रिटिक जिनको अवार्ड किया गया है रबींद्रनाथ टेगोर लिटरेरी प्राइज फॉर द बुक सोल पेपर सेलेक्टेड पोएम्स इसका जो आंसर है दैट इज दुख्रता पॉल कुमार ठीक है एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग इन पैलेस्टीनियन एक्टिविस्ट एंड म्यूजिक कंडक्टर जिनको अवार्ड कौन सा दिया गया है पीस डेम एंड डेवलपमेंट फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी इंदिरा गांधी प्राइज ठीक है इंदिरा गांधी प्राइज सो किन किन को मिला है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अली अबू आवाज एंड डेनियल बैरम्बोइंग ठीक है सो so, ये जो हैं डल बैरम्बोइंग जो हैं ही इज़ अ म्यूजिक कंडक्टर अली अबू आवाज इज़ अ पेलेस्टीनियन एक्टिविस्ट नेक्स्ट अब आ जाते हैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स तो ये कहाँ होस्ट हुए अभी दे वर होस्टेड इन न्यू डेली एंड जिसका फर्स्ट एडिशन था ऑफ खेलो इंडिया पैरा गेम्स दैट वाज आल्सो हियर ठीक है तो फर्स्ट एडिशन भी न्यू डेली में ही हुआ था रैंकिंग की अगर हम बात करें दैट इज़ फर्स्ट आया हरियाणा सेकेंड आया उत्तर प्रदेश एंड थर्ड वन इज़ तमिलनाडु मैस्कट ऑल्सो कैन गेट इम्पोर्टेंट मैस्कट क्या है उज्जवला ओके okay. देन आते हैं यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है टेंथ ऑफ डिसम्बर को किया जाता है डेजिग्नेट किसने किया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस बार की जो थीम है वो भी ज़रूरी है दैट इज फ्रीडम इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल अगेन इम्पॉर्टेंट देखो जितने भी थीम्स डेट्स हैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ये नॉट ओनली जो भी प्रीवियस मंथ्स में रहे हैं बल्कि थ्रू आउट द ईयर एंड स्पेसिफिकली अगर वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है ना जैसे कि अर्थ डे हुआ ओके सो दीज काइंड ऑफ डेज गेट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसको अच्छे से देखना एंड uh, अगर लेटेस्ट है तो उसकी थीम भी आपको पता होनी चाहिए नेक्स्ट आते हैं आफ्टर फोर्टी टू ऑफ एग्जिस्टेंस पैलेस ऑन व्हील लग्जरी ट्रेन जो है इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू रूट ठीक है पहले सिर्फ आपने सुना होगा राजस्थान वाली साइड थी अब यूपी में भी देर आर सिटीज जहाँ वो जाएगी एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन अदर दैट इज़ अयोध्या इस बार आपको पता है राम मंदिर जो है उनका इनाग्रेशन यहाँ पर किया गया है ना सो so, uh, आपको अयोध्या काशी और वाराणसी जो है यहाँ पर भी अब ये ट्रेन जाएगी वेरी इम्पोर्टेंट उसके बाद आ जाते हैं रायसेना डायलॉग पे सो so, रायसेना डायलॉग क्या है एग्जैक्टली exactly? uh, रायसेना डायलॉग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है जिसके अंदर डिस्कशन किस किस चीज का होता है जैसे कि जियो है अगर कुछ उसके साथ साथ जियो इकोनॉमिक्स है सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर यूजली डिस्कस्ड एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नाइन्थ एडिशन ऑफ रायसेना डायलॉग जो है न्यू डेली में इनोग्रेट किया एंड इस बार जो चीफ गेस्ट रहे हैं दैट इज क्रियाकोस ओके एंड ही इज हु ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस ओके फिर आ जाते हैं इंडिया एजिंग रिपोर्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो इसके अंडर ये एक्चुअली जो है दिस रिपोर्ट वॉज बाय यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसिस इन दोनों ने मिलके ये रिपोर्ट जो है वो बनाई है एंड इसके थ्रू पता चलता है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सबसे ज़्यादा Uh, मतलब रिजिलेंस देखी गई है मतलब एल्डरली पॉवर्टी नहीं है यहाँ पे ठीक है और अगर हम बात करें एज uh, पॉपुलेशन उसमें सिर्फ और सिर्फ 4.2 परसेंट ही ऐसे हैं जो पॉवर्टी लाइन के अंडर हैं अदरवाइज लोग नहीं हैं एंड जेएनके में हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्ट एक्सपेक्टेंसी रेट भी देखा गया आफ्टर सिक्सटी ईयर्स वट इज़ दिस लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इसका मतलब होता है कि कितना आदमी लाइक इफ इफ इन इन अ प्लेस हाउ मच इज़ अ पर्सन एबल टू लिव तो सिक्सटी के बियॉन्ड आजकल आपको पता है लाइफ इज लाइफ स्टाइल इतना खराब है दैट पीपल गेट हार्ट अटैक्स बी पी इशूज एंड वॉट नॉट डिजीज एंड बिकॉज ऑफ विच अर्ली डेथ का ऑनसेट है पहले की तरह नहीं है कि लोग सौ सौ साल जी रहे हैं सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ओवर पीरियड इन टाइम लाइफ स्टाइल एट्सेट्रा की वजह से काफ़ी कम हो गई है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ प्रटी गुड इट्स ओवर सिक्सटी वैन इट कम्स टू जम्मू एंड कश्मीर सो अगैन गेट्स इंपॉर्टेंट मूविंग ऑन टू दैक्स्ट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ये, uh, 2024 वाला जो है कहाँ पर होस्ट किया गया है सो यह होस्ट हुआ है दुबई के अंदर और इसके अंदर जो गेस्ट ऑफ ऑनर है वो तीन देश है हमारी कंट्री भी इसलिए जरूरी है इंडिया टर्की एंड कतर और इस बार जो थीम रही है दैट इज शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट ठीक है सो प्लीज प्लीज टेक नोडो फिट नेक्स्ट आ जाते हैं हमारा खुजराव डांस फेस्टिवल उसका ये फिफ्टीथ ईयर है इसलिए थोड़ा सा ज़रूरी है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया है अभी रिसेंटली इट वॉज सेलिब्रेटेड एट खुजुराओ इट्स सेल्फ इन एम पी ओके एंड ये जो है क्लासिकल डांस हेरिटेज है वैन इट कम्स टू द डांस दैट इज शोन अराउंड इन दिस फेस्टिवल सो देख लेना थोड़ा ध्यान देना इस पे भी अगला जो है दिस इज अगैन वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज अभी एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट देखी गई है वेर हंड्रेड परसेंट सेचुरेशन वॉज सीन इन हर घर जल स्कीम अंडर जल जीवन मिशन नाउ वॉट एग्जैक्टली इज दिस पर्टिकुलर स्कीम ये जो लॉन्च की गई थी दैट वॉज इन 2019 और इसमें जो मेन एजेंडा था दैट इज सेफ ड्रिंकिंग वाटर जो है टैप वाटर आप बोल सकते हैं थ्रू टैप्स ये प्रोवाइड करना हर घर में स्पेसिफिकली जो रूरल एरियाज के घर हैं वहाँ पर बाय 2024 ओके okay? सो so, इसका जो आंसर है दैट इज वॉट अरुणाचल प्रदेश ठीक है अरुणाचल प्रदेश इज द आंसर फॉर दिस कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कतर एनर्जी एंड एक्सेलरेट एनर्जी इन्होंने फाइनलाइज किया है कि वो एलएनजी की जो सेल है वो करेंगे टू अ पर्टिकुलर नेशन ना व्हाट इज द नेम ऑफ दिस नेशन द आंसर फॉर द सेम इज बांग्लादेश ठीक है थ्रू सेल एंड परचेस एग्रीमेंट ओके नेक्स्ट वन जो है दिस इज अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट यार इसको फिर से स्टार मार्क कर लो यू विल सी दिस क्वेश्चन कमिंग अप इन योर एग्जामिनेशन ठीक है सो so अभी क्या हुआ है इन देशों में ये तीन देश जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ यहाँ पर मिलिट्री टेक ओवर हुआ है ऑफ देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट इस रीजन की वजह से उन्होंने विड्रॉ करा है उन देशों ने किससे इकोबास नाउ व्हाट इज ईकोबास इट इज इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स ठीक है एंड कौन कौन से देश हैं द फर्स्ट वन इज़ बर्कना फैसो द सेकेंड वन इनर इज माली एंड द थर्ड वन इनर इज नाइटॉब सो बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ब्राजीलियन एरोस्पेस चाइन दैट इज एम्बरेर एम्ब्रेर और महिंद्रा जो हैं उन्होंने बोला है कि वो पार्टनरशिप में क्या करेंगे इंडियन एयरफोर्स में जो भी अभी एक्विजिशन होना है C390 थ्री नाइन्टी मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का उसकी क्या करेंगे कंस्ट्रक्शन जो है उसकी जो उसको बनाना है वो स्टार्ट करेंगे एंड ये जो C390 थ्री नाइन्टी मल्टी मिशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है ये किसको रिप्लेस करेंगे ए एन थर्टी टू के प्लेन्स को अच्छा एक क्वेश्चन मेरा आपसे जिन्होंने भी मंथली कारेंट अफेयर्स कवर की है तो क्वेश्चन इज अभी रिसेंटली हिंडन में हमारा कोई एक एयरक्राफ्ट है जो रिप्लेस हुआ है इट इज़ अगैन अ ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड इट हैज़ बीन ये किस कौन सी जो फ्लीट है उसने इसको टेक मतलब uh, जो uh, नई फ्लीट आई है उसका क्या नाम है और जो रिटायर हुई है उसका क्या नाम है जल्दी से बताओ कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज डैश इज द मेंबर ऑफ सिख रेजिमेंट ऑफ इंडियन आर्मी और उनको दिया गया है विशिष्ट सेवा मेडल सो so, इसका जो आंसर है दैट इज हवलदार वरिंदर सिंह ओके okay? हवलदार वरिंदर सिंह उसके बाद आते हैं इंडिया की कोलैबोरेशन देखी गई है कौन सी कंट्री के साथ व्हेन इट कम्स टू एम क्यू नाइन बी आर्म ड्रोन तो ये जो ड्रोन है फाइनली इंडिया के पास है ये कौन सी कंट्री से लिए हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिए हैं दैट्स वाईट गेट्स इंपॉर्टेंट कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले में इंडिया इज गेटिंग वेरी कंसर्न एंड हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं दैट इज राजनाथ सिंह उन्होंने क्या बोला है कि हमारा इंडिया का और म्यांमार का जो बॉर्डर है उसे पूरा फेंस करना पड़ेगा ठीक है कितना लंबा बॉर्डर है इट इज सिक्सटीन हंड्रेड एंड फोर्टी थ्री किलोमीटर्स लॉन्ग एंड ये कौन सी कंट्री के साथ है म्यांमार के साथ है आपको पता है वहाँ सिविल वॉर लाइक लॉर ऑफ प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से मणिपुर पर भी बहुत इफेक्ट आ रहा है ऑल ऑफ दैट इज गोइंग ऑन Coming to the next one, that is 12th edition, कौन सी एक्सरसाइज का हुआ है इन विशाखापट्टनम और ये जो एक्सरसाइज अभी रिसेंटली होस्ट की गई है दिस वॉज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी कंडीशन सिचुएशन दैट इज गोइंग ऑन इन रेड सी आपने देखा अभी बहुत इंसिडेंट्स हो रहे हैं इवन द प्रीवियस वीडियो आई डिस्कस्ड अबाउट हाउ द रेबल्स दैट इज ओ जानवरी वाली जो मैंने करंट अफेयर्स डाली है उसमें अच्छा शिप कौन सी थी जल्दी से नीचे कॉमेंट करो हाउ द रिबेल्स के रिगार्डिंग मैंने एम वी कुछ करके एक शिप का नाम लिया था राइट right? जहाँ पे uh, मतलब अटैक्स सीन एंड यमन का कुछ रिलेशन था यू रिमेंबर गल्फ ऑफ एडन मैंने कुछ डिस्कस किया था जल्दी से इसका आंसर दो मुझे इन केस नहीं पता तो नीचे जाके कॉमेंट में देख लो प्लीज माई स्टूडेंट्स विल बी कॉमेंटिंग सो प्लीज गो एंड चेक इट आउट ओके सो इंडिया इज होस्टिंग ट्वेल्थ एडिशन ऑफ वॉट सो इसका आंसर हो जाएगा मिलान एक्सरसाइज ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज रिसेंटली कोलेबोशन देखा गया है बिटवीन दैट इज जापान की जो एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है अलोंग विद नासा दैट अब ये क्या करेंगे वर्ल्ड की फर्स्ट वुडन सैटेलाइट जो है उसको क्या करेंगे लॉन्च करेंगे कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज प्रेस्टिजियस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस साल किसको मिला है इट इज गिवन टू पी टी उषा एंड टॉकिंग अबाउट इंटरनेशनल वो शू फेडरेशन फीमेल एथलीट ऑफ द ईयर ये किसको मिला है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट यार ये क्वेश्चन आ सकता है नावर एम रोशी बिना देवी क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है तो so स्पोर्ट कौन सा हो जाएगा वो शू देन आते हैं इंडिया ने अपना फर्स्ट पोर्टेबल डिजास्टर हॉस्पिटल जो है वो क्या किया है अनवेल किया है वेर इज इट इट इज इन गुरुग्राम एंड दिस इज द हॉस्पिटल व्हिच कैन एक्चुअली बी ए लिफ्टेड टू एंड ये कौन से प्रोजेक्ट के अंदर है सो so ये जो है प्रोजेक्ट भिश्म. उसकी फुल फॉर्म क्या है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मेत्री ठीक है

एज ओल्ड कौन सा चीज चेंज की गई है इंडियन पीनल कोड जो है इसके लिए है ना आईपीसी आपने सुना होगा इंडियन कोड और कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स एंड इंडियन एविडेंस एक्ट ऑफ 1872 ये तीनों जो है ये चेंज किए जाएंगे सो so, रिप्लेस किए जाएंगे इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है नेक्स्ट आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज इनिशिएटिव टू एम्पावर 15,000 थाउजेंड विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बाय प्रोवाइडिंग दैम ड्रोन्स फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज इसका नाम क्या है और ये इतना ज़्यादा न्यूज में रहा है है ना क्या नाम है इसका नमो ड्रोन दीदी ठीक है ये इनिशिएटिव जो है और इसके अंदर आपको एक बात बता दूं ड्रोन्स दिए नहीं जाएंगे दिस इज गोइंग टू बी ऑन द रेंटल बेसिस की रेंट पे दे दिया गया है फार्मर्स उसे अपने एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट वन अग्ञान सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इसकी फुल फॉर्म क्या है और ए आई बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ठीक है हमने अपना नेशनल ईयर ऑफ ए आई भी सेलिब्रेट किया ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री सो इसलिए और भी ज़्यादा जरूरी हो जाता है एक डिक्शनरी भी है जिसने ए आई को वर्ड द ईयर बोला है सो दैट्स वाई इट गेट्स इंपॉर्टेंट इसकी जो फुल फॉर्म है यूथ फॉर उन्नति एंड विकास विद ए जिनका ये इनिशिएटिव है दैट इज नेशनल ई गवर्नेंस डिजन दैट इज एनजीडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ठीक है सो दिस इज इंपॉर्टेंट और इसके साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ऑफकोर्स इंटेल सो इन्होंने मिलके ये एक से uh, मतलब काफी काफी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स बेसिकली अ समिट दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ फिफ्थ नागालैंड हनी बी डे जो है वो सेलिब्रेट किया गया है नागा हेरिटेज विलेज जिसका नाम है किसामा में और इस बार उसका थीम क्या रहा है दिस इज द क्वेश्चन सो इसका जो थीम रहा है दैट इज बी एंड हनी ट्रायल्स ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज प्रेजिडेंट विलियम सामोरूतो जो अभी रिसेंटली इंडिया को जिन्होंने विजिट किया है फॉर द थ्री डेज ही इज प्रेजिडेंट ऑफ उच कंट्री सो ही इज अ केनियन प्रेजिडेंट केनिया के जो हैं प्रेजिडेंट हैं फिर आ जाते हैं अभी ऑफिशियली कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने चाइना के बी आर आई दैट इज बेल्ट एंड रूड इनिशिएटिव से डिपा चल लिया है मतलब एग्जिट ले लिया है और ये एक ही ऐसा जी सेवन नेशन था जिसने इसमें पार्टिसिपेट किया था सो कौन सी कंट्री है द आंसर फॉर द सेम इज इटली ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कौन सा ऑयल अच्छा हाँ एक और चीज मैं बताना चाहती थी आपको विद दिस अभी रिसेंटली क्या हुआ है बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है क्या नाम है उनका शेख हसीना है ना बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने इनोग्रेट किया है 82 किलोमीटर लॉन्ग पद्मा ब्रिज रेल लिंक और ये जो है ये किसके अंडर आता है ये चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर आता है इसलिए थोड़ा जरूरी हो जाता है ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ अब ओपैक जो है आप लोग सब जानते हैं क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज इससे कुछ कुछ कंट्रीज ने पहले भी एग्जिट लिया है और इस साल भी एक कंट्री है जिसने एग्जिट लिया है सो ट्वेंटी ट्वेंटी में इक्वाडोर निकल गया था 2019 में कतर बाहर निकल गया था और अब अंगोला जो है उसने बोला टाटा बाय बाय टू ओपैक ओके सो रिमेंबर इट उसके बाद आ जाते हैं आ देखो इसको पढ़ाने का सिर्फ एक ही रीजन है दैट इज यू शुड नो साइक्लोन्स के जो भी नेम है ठीक है so, सो जैसे कि इसको ऑस्ट्रेलिया की तरफ विली विली बोला जाता है करेबियन सी की तरफ इसको किस नाम से बोला जाता है हरिकेन्स के नाम से ठीक है फिर चाइना की तरफ इसे टाइफून के नाम से बोला जाता है आ, इंडियन ओशन में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं जापान की तरफ इसे ताइफू बोल देते हैं ठीक है विली विली ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ फिर आ जाते हैं यूएसए की तरफ इसको टोनेडोज़ भी बोल देते हैं ठीक है फिलीपींस की तरफ इसे बागविओ बोल देते हैं सो दिस इज हाउ इट गेट्स वेरी इंपॉर्टेंट तो आपको ये पता होना चाहिए इनके नेम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं ठीक है इसके साथ साथ प्लीज़ कोल्ड करंट जितने भी हैं वार्म करंट एक बार नेम्स देख लेना दिस कैन बी आस इन द एग्जामिनेशन ओके और हाँ शिफ्टिंग कल्टिवेशन जैसे इंडिया में क्या क्या नाम है बाहर दूसरे देशों में क्या नाम है मिल्पा लडांग एट्सट्रा सो so, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ इंडिया एंड रशिया अगर हम इसकी बात करें न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बींग मेड एंड यू नो दैट न्यूक्लियर एनर्जी इज द फ्यूचर वाई बिकॉज वी आर मूविंग बिट मोर टूवर्ड समथिंग दैट डज नॉट यूज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एज दे आर गेटिंग खत्म हो रहे हैं सब जानते हैं इस बात को रेट्स बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स इलेक्ट्रिक वहीकल्स एक्सेट्रा सो वेन इट कम्स टू दिस ये इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इसका नाम क्या है कुंडन कुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट ठीक है इंडिया और रशिया के बीच में है ये एक काफ़ी अच्छी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन है फॉर द कंट्री कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी इंडेक्स ये जो है मोसर कर करके एक है जो इसे रिलीज करता है अब बात करते हैं इंडिया के देश जो इसमें रहे हैं पुणे की जो पोजीशन रही है 154 रही है सबसे अच्छा हमारे देश में जो कंडीशन है दैट इज़ ऑफ हैदराबाद दैट इज़ वन रैंकिंग है और उसके बाद बेंगलुरु की अगर हम बात करें इट इज़ रैंकड अराउंड वन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कमिंग टू द नेक्स्ट वन यू नो बुकर प्राइज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो आयरिश ऑधर हैं जिनको प्रॉफिट uh, सॉन्ग के लिए दी uh, मिली है uh, जो है बुकर प्राइज है जो दिया गया है सो so, इनका नाम क्या है हिज नेम इज़ पॉल लिंच ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन हैं सो हिज नेम इज़ श्री हीरा लाल ठीक है और इसी के साथ साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ साथ कौन इम्पोर्टेंट है इस बार जो नीति आयोग के जो हेड अभी रिसेंटली बताए गए थे और मैं आपको ऑलरेडी हंड्रेड करंट अफेयर्स में भी वो करा चुकी हूँ उनका भी नाम आपको याद रखना है ठीक है फिर आ जाते हैं दैट इज कौन सी कंट्री है जिसने अपनी एम्बेसी इंडिया में पर्मांटली क्लोज की है सो आंसर इज अफगानिस्तान ठीक है अफगानिस्तान कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज तीन फॉर्मर क्रिकेटर हैं जिनको इंडक्ट किया गया इन आईसीसी हॉल ऑफ फेम सो द फर्स्ट वन इज दायना द सेकंड वन इज अरो एंड द थर्ड वन इज योर वीरेंद्र सहवाग ठीक है उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे श्रीलंकन क्रिकेटर हैं एंड ही बिकम्स द फर्स्ट क्रिकेटर इन इंटरनेशनल क्रिकेट जो कि टाइम आउट हुए हैं सो so इनका क्या नाम है हिज नेम इज एंजलो मैथ्यूज ठीक है नेक्स्ट आते हैं अभी रिसेंटली से नो टू करप्शन कमिट टू द नेशन ये किस चीज की थीम रही है एंड दिस वाज ऑब्जर्व बाय ऑल द मिनिस्ट्रीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ये क्या थी विजिलेंस अवेयरनेस वीक ठीक है उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज फर्स्ट ए आई पावर्ड ह्यूमेनॉइड रोबोट जो कि सी बना है तो इसका क्या नाम है मिका जो है दैट इज द ए आई उसके बाद आते हैं नेशनल गेम्स पे देखो नेशनल गेम्स का आपको पता होना चाहिए कि होस्ट कहाँ हुए इट वाज इन गोवा मोटो पता होना चाहिए एंड मैस्ट पता होना चाहिए दीज आर द क्वेश्चंस दैट आर आस इन द एग्जामिनेशन और जो फर्स्ट रैंक रही है दैट इज ऑफ महाराष्ट्र डेज जैसे कि आप जानते हैं बहुत ज्यादा जरूरी है टेंथ नवंबर को एज वर्ल्ड साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है इस बार जो थीम रही है दैट हैड बीन बिल्डिंग ट्रस्ट इन साइंस एंड सत्यजीत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है माइकिल को मिला है ही इज हॉलीवुड फिल्म डायरेक्टर सो मच न्यूज आप जानते हैं सो so, इस बार होस्ट कौन था इट वॉज होस्टेड बाय आर ओन कंट्री इंडिया विनर कौन रहा है ऑस्ट्रेलिया इन द लास्ट मैच जो कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में था सो ऑस्ट्रेलिया वन द मैच प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली सबसे ज्यादा रन भी विराट कोहली के रहे हैं और विकेट्स की अगर बात आती है दैट इज मोहम्मद शामी ठीक है दीज आर द बेसिक थिंग्स दैट यू शुड रिमेंबर उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दैट इज सोलर पावर्ड वेसल्स कहां पर अभी रिसेंटली यूज की गई हैं इनका नाम जो है दैट इज रामायनाज वेसल्स तो अब तुम समझ सकते हो कहाँ पे होगा अफकोर्स इट इज इन अयोध्या और अयोध्या में भी कहां पर है इट इज इन सारियो रिवर ठीक है अब सारियो रिवर जो है ये किसकी ट्रिब्यूटरी है ये शारदा रिवर की जो है ट्रिब्यूटरी है एंड इसके साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए आखिरी में जाके कहाँ मिलती है गंगा में जाके मिलती है कमिंग टू द नेक्स्ट वन नेशनल यूनिटी डे वाले दिन नरेंद्र मोदी जी ने अभी क्या किया है एक प्लेटफॉर्म जो है वो लॉन्च किया है इसका आंसर क्या है इट इज माय भारत माय जो है दिस स्टैंड फॉर मेरा युवा भारत ठीक है और ये किस लिए एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर ये आता है फर्स्ट थिंग और ये जो इसका मेन काम क्या है कि हमें डेवलपमेंट लीड करनी है यूजिंग यूथ्स ठीक है बिकॉज दे कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स द विजन ऑफ विकसित भारत ठीक है विकसित भारत बाय 2047 ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट कमिंग टू द नेक्स्ट वन तो अभी वर्ल्ड इंक्लूसिवनेस इंडेक्स जो है वो पब्लिश किया गया है इंडिया की रैंक जो है 117 रही है और बात करें कि फर्स्ट कौन आया है इट इज नन अदर देन न्यूजीलैंड ठीक है और इसका जो ये इंडेक्स है व्हाट डज इट शो इट शोज इंक्लूसिविटी इन टर्म ऑफ रेस रिलीजन ठीक है इवन योर जेंडर डिसेबिलिटी उसमें कितनी इंक्लूसिविटी है मतलब आप डिस्क्रिमिनेट ना करें दैट इज़ अ थिंग उसके बाद आते हैं आशियान इंडिया मिलट फेस्टिवल कहाँ हुआ अभी रिसेंटली इट वॉज इन चकारता देन केरला और मध्य प्रदेश की दो सिटीज़ हैं ऐसी जिनको क्रिएटिव सिटी लिस्ट यूनेस्को जो है उसने कंसिडर करके और उसे ऐड किया है एंड ये जो है केरला वाली इज़ रिलेटेड टू लिटरेचर और आपकी जो मध्य प्रदेश वाली है वो म्यूजिक से रिलेटेड है सो नेम ऑफ द सिटी इज कोजीघोड़े एंड जिन्होंने भी करंट अफेयर्स किए हुए हैं फॉर

एंड दैट्स वाई इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट प्लीज़ प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट उसके बाद आते हैं कि कौन सी कंट्री है जिसने जापान को हराया इन हॉकी वेन इट कम्स टू एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी और अगर हम इस ट्रॉफी की बात करें तो इंडिया ने जो है डी थ्रोन किया है इंडिया ने फर्स्ट मैच अपना कप जीता था टू थाउजेंड एंड सिक्सटीन में जीता था और उसके बाद जो है ये वाला मैच जापान ने जीता था नाव अगैन बैक टू इंडिया ओके okay, फिर आ जाते हैं नाउ दिस इज ऑन आई एन एस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ओके सबसे पहले तो इंडियन नेवी जो है उसने फोर्थ एंटी शिप सबमरीन वॉरफेयर क्राफ्ट जो है वो लॉन्च किया इसका नाम क्या है इट्स नेम इज अमीनी एंड ये फोर्थ है सीरीज में तो आपको जो और थ्री हैं इन सीरीज वो भी पता होनी चाहिए ऑलरेडी मैं मंथली करंट अफेयर्स में करा चुकी हूँ हुएवर एवर इज रेडेड प्लीज जल्दी से नीचे कॉमेंट करो ठीक है Amini. Amini, प के अंदर हंड्रेड किलोमीटर लक्ष्मदीप बहुत न्यूज में थे बहुत जरूरी हो जाता है अब आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज इंडियन नेवी का मिशन था वेन इट कम्स टू वेस्ट अफ्रीका एंड अटलांटिक यहाँ पे जो शिप भेजी गई थी टू द पोर्ट दैट इज वेलविज बे इन नमीबिया उसका क्या नाम है सो so, इसका जो आंसर है दैट इज आई एन एस सुमेधा आई एन एस सुमेदा और भी जगह इन्वॉल्व थी मैंने आपको पार्ट वन ऑफ दिस करंट अफेयर्स डिस्कस किया था जो जल्दी से नीचे मुझे कॉमेंट करके बताओ अगला आता है आई एन एस कब काबरा ठीक है सो आई एन एस काबरा जो है ये uh, कहाँ पर आई अभी रिसेंटली इट केम टू कलम्बो दैट इज श्रीलंका अब ये किस लिए जरूरी है बिकॉज ये जो विजिट थी इट वॉज इन अलाइनमेंट टू सागर मिशन सागर स्टैंड फॉर वॉट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन और सागर वाले जो क्वेश्चन है वो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं सो प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट कमिंग टू द नेक्स्ट वन इसको जितने बड़े स्टार मार्क कर सकते हो उतने बड़े स्टार मार्क करो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो टी एम टी टी एम टी स्टैंड फॉर वॉट इट स्टैंड फॉर थर्टी मीटर टेलीस्कोप ठीक है थर्टी मीटर टेलीस्कोप ये जो एक प्रोजेक्ट है ये मौना किया पे है दैट इज इन हवाए एंड इट्स एन इन एक्टिव वॉलकैनो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि ये वर्ल्ड का सबसे बढ़िया आज तक का क्या है ग्राउंड बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है जहां पे ऑप्टिकल नियर इंफ्रारेड एक्सेट्रा हर चीज का ध्यान दिया गया है सारी टाइप के ऑब्जर्वेशन की जा सकती हैं एंड ये बनाया गया है बाई दीज कंट्रीज टूगेदर यूएस जापान चाइना कैनेडा एंड इंडिया दैट्स वाई इंपॉर्टेंट फिर आते हैं कौन सी वर्ल्ड की फर्स्ट मलेरिया वैक्सीन प्रोग्राम है जो टारगेट करिए टू पॉइंट फाइव लैख चिल्ड्रन को ओवर द एज ऑफ टू ईयर्स सो कैमरून जो है यहां पर इनिशिएट किया गया है Then, आ जाते हैं ऑपरेशंस पे ठीक है सो कौन सा ऑपरेशन था जिसमें एलिमिनेट किए गए हैं कौन टेररिस्ट रजौरियर पुंछ डिस्ट्रिक्ट में ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो so, इसका जो आंसर है दैट इज ऑपरेशन सर्व शक्ति के okay. फिर आते हैं कि कौन सी कंट्री के प्रेसिडेंट है मोहम्मद मिज़ो जिन्होंने बोला है कि आप मतलब इंडिया को बोला कि अपने जितने भी ट्रूप्स हैं उनको विड्रॉ कर लो उनका काफी प्रो चाइना स्टैंड है आप लोगों को पता है ऑलरेडी भी आपसे पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं मॉलदीव्स के जो हैं प्रेजिडेंट है देन है। आते हैं नोबेल प्राइजेस नाउ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे एंड ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है जैसे पूछ लेंगे फिजिक्स में किसको मिला है मेडिसिन में किसे मिला है सो यू हैव टू रिमेंबर दीज नेम्स दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्हें लिख के अपने सामने रख लो आई एम श्योर आपको याद रहेगा पीस जैसे नरगेज मोहम्मदी को मिला है इकोनॉमिक साइंसेस क्लोडिया गोल्डन को मिला है ठीक है इकोनॉमिक्स एंड गोल्ड गोज टुगेदर इस तरीके से याद रखना लिटरेचर ठीक है जॉन फोर्स तो वेरी इंपॉर्टेंट फिर आ जाते हैं हम लोग नाउ दिस इज अग्ञान एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मतलब मैंने ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डाली हैं लेकिन मैं क्या करूँ मुझे लगता है कि यार ये क्वेश्चन तो आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं एग्जाम में ठीक है so, सो जो लेक का नाम है दैट इज़ वॉट फे पट लेख लेम्फेल पट लेख नाउ इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वाई बिकॉज पहली बात ये अब भी अभी न्यूज़ में बहुत रही है बिकॉज इट वेंट इट अंडर वेंट रिमार्केबल रिवाइवल सेकेंड चीज ये नॉर्थ ईस्ट के किसी साइड की लेक है और ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं सो यू कैन सी इट्स बिफोर कंडीशन एंड आफ्टर कंडीशन एंड इसको मिनी लोकटक लेक के नाम से भी जाना जाता है अच्छा लोकटक लेक कहाँ पर है जल्दी से आप नीचे कमेंट करें लोकटक लेक के लिए एंड इसी के साथ मैं आपको एक रिमाइंडर देना चाहूंगी कि नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी लेक्स हैं उन्हें अच्छे से याद करें वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को हंड्रेड अपने एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा फिर आ जाते हैं मैंगस्टू रीजन जो है अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है क्यों बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही गलत चीज़ हुई है दैट इज़ आज तक का सेकेंड बिगेस्ट क्या हुआ है मीथेन लीक यहाँ पर देखने को मिला है सिक्स मंथ लॉन्ग ये चला है मीथेन लीक एंड इसकी वजह से ऑलमोस्ट वन लैक ट्वेंटी सेवन थाउजेंड टन की मीथेन जो है वो रिलीज हुई है फ्यूम्स इतनी ज्यादा थी कि इवन स्पेस से भी सारी फ्यूम्स विजिबल थी रिकॉर्डिंग है तो ये जो है कहाँ पर है कजाकिस्तान में है ये रीजन ओके देन आ जाते हैं इसराइल है, ने क्या किया है हमास के अगेंस्ट रिस्पॉन्स में क्या किया सो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड है दिस वॉज अगेंस्ट ऑफकोर्स हमास वेन इट कम्स टू इसराइल फिर आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया ये जो है कहाँ पर था दिस वॉज इन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2024 जिसका ये थीम रहा है ओके एंड इट वॉज होस्टेड इन मुंबई महाराष्ट्र वेरी इंपॉर्टेंट फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन मिलट्स जो अभी रिसेंटली कहाँ ऑर्गेनाइज हुई थी इट वॉज़ इन भुवनेश्वर ठीक है भुवनेश्वर में थी इस बार थीम क्या रहा मिलेट्स एंशंट ग्रेन्स फॉर मॉडर्न चैलेंजेस मिलेट्स वाली चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं बिकॉज ऑफ वन ऑफ द ईयर बींग ईयर ऑफ मिलेट्स दैट्स वाई वेरी इंपॉर्टेंट फिर आते हैं ब्लैचले डेक्लेशन ये कहाँ पर हुआ है सो so, इंडिया इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि साथ साथ 27 सेवन अदर कंट्रीज एंड ई यू इन्होंने मिलकर क्या किया है इन्होंने वर्ल्ड का फर्स्ट ए आई अग्रीमेंट जो है वो यहाँ पे साइन किया है ठीक है सो आंसर क्या हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा एंड ये मीटिंग कहाँ हुई थी ये यूके में मीटिंग हुई थी एंड इट वॉज टू डे लॉन्ग ए आई सेफ्टी समिट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है याद रहेगा चलो ना कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग मैं आपके साथ दो तीन जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज में रही हैं वो स्कीम्स डिस्कस करूंगी फर्स्ट आती है पीएम विश्वकर्मा योजना ये कौन सी मिनिस्ट्री ने पहली बात माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ने में uh, किस किस को आर्टिजन क्राफ्टमैन कोई भी है जिनको लोन की रिक्वायरमेंट है उन्हें लोन दिया जाता है इसमें ऑलमोस्ट एटीन बिजनेस कवर्ड हैं एंड पांच साल तक वो फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकते हैं स्कीम के अकॉर्डिंग ओके okay? फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दैट इज फेम इंडिया स्कीम वेरी इंपॉर्टेंट और अब इसका जो है फेज टू आया है इसलिए और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है इसमें चेंजेस क्या देखने को मिले पहली बात फेम की फुल फॉर्म क्या है फास्टर अडोप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पहले जो था आ, आपने देखा होगा कि मतलब गवर्नमेंट बहुत कर रही थी अडोप्शन उसकी वजह से क्या देती थी कि आपको आ, कुछ छूट मिलेगी है ना अब क्या हुआ है अकॉर्डिंग टू फेज टू मेन चीज जो है दैट इज कि पहले जो छूट थी दैट ऑज गिवन टू एवरी कार बट अब कुछ सर्टेन नॉर्म्स आ गए हैं जिसके अकॉर्डिंग आप लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने पर कुछ ना कुछ ऑफ कोर्स बेनिफिट मिलेंगे ठीक है सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल्स कितनी बजट एलोकेशन हुई है दिस कैन बी आस इन द एग्जामिनेशन फिर आ जाते हैं हम लोग जन जाति आदिवासी न्याय महाअभियान ये जो है हेल्थ और एजुकेशन के लिए है, और इसका जो फायदा दिया गया है अभी रिसेंटली कोलम ट्राइब जो है उसको दिया गया है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की साइड है एंड दे आर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉट एग्रीकल्चर में ठीक है अगला आता है दिस इज अंडर अमृत है ना अमृत जो स्कीम है उसके अंडर विमेन फॉर वाटर वाटर फॉर विमेन कैंपेन जो है वो लॉन्च किया गया था क्वेश्चन कैसे आ सकता है किसने लॉन्च किया था सो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स उसके बाद आते हैं नेक्स्ट वन दैट इज कौन सी ऐसी स्टेट uh, बनी है जिसने अटेन किया है हंड्रेड परसेंट ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस कवरेज वेन इट कम्स टू स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण ठीक है सो कौन सा है इट इज यूपी दैट इज उत्तर प्रदेश जो है उसको फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन दीन दयाल अंत्योदया योजना ठीक है इट कम्स टू दिस इसके अंदर इंट्रोड्यूस क्या किया गया है ई सरस जो है दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस और इसका जो मेन एम है दैट इज इनहस करना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन हाइय सिविलियन डेकोरेशन जो है जिस, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गलपो ये जो है भूटान ने दिया है किसको दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर को दिया है दैट इज नरेंद्र मोदी जी ठीक है फिर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एजेंसी कौन सी है जिसने स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है सो so, इसका आंसर है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2023 ट्वेंटी थ्री इज द वॉर्मेस्ट ईयर एंड ट्वेंटी ट्वेंटी फोर भी कम नहीं रहने वाला इट इज गोइंग टू बी क्वाइट वार्म कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज अभी रिसेंटली uh, एक वहीकल दैट इज एम आई आर बी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री वहीकल ये जो है मिसाइल uh, लॉन्च इसमें क्या क्या है व्हेन इट कम्स टू अग्नि फाइव अग्नि फाइव क्या है एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है ये कहाँ से टेस्ट फायर की गई है डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम अंडर द मिशन नेम्ड मिशन दिव्यास्त्र ठीक है और इसके साथ साथ एक और चीज आपको पता होनी चाहिए अभी रिसेंटली ऑपरेशन लॉन्च किया गया था टू द दिटिजन फ्राम हयाति नाउ बट दिस हैड बीन इन मार्च तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज एग्जाम में आए नहीं भी आए सो ऑपरेशन इंद्रावती जो है वो लॉन्च किया गया था कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग सो ये यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क रिलीज करता है फर्स्ट रैंक फिनलैंड की सेकेंड डिन मार्क की एन इट कम्स टू इंडिया इंडिया की जो है दैट इज वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स कमिंग टू पी एम सूरज आपको बस इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए उसके अलावा इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट पता होना चाहिए एंड उसकी थीम दैट इज फॉरेस्ट एंड इनोवेशन ओके ट्वेंटी फर्स्ट मार्च जो है उसको सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड वाटर डे अगैन ट्वेंटी सेकेंड मार्च को एंड थर्ड मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे थीम क्या रही है वाटर फॉर पीस

एंड यू ऑल नो अबाउट आई एन एस जेट आई यू मैंने डिस्कस किया था दिस इज नाउ द सेकंड नेवल बेस वेन इट कम्स टू लक्ष्मदीप ओके इंडियन बैट्समैन जिन्होंने स्कोर किए ट्वेल्व थाउजेंड रन इन टी ट्वेंटी सो आंसर क्या है इसका आंसर इज विराट कोहली ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन स्नो लेपर जो है नेशनल सिम्बल किसका है द आंसर इज किर्गिसन ए पी मोलर मार्स्क ये जो है इसने क्या किया है वर्ल्ड की लार्जेस्ट शिप जो कि ग्रीन हाइड्रोजन डेरिवेटिव पर रन कर सकती है वो भी रिलीज की है रिवील की है सो so उसका क्या नाम है द आंसर फॉर द सेम इज एनी मर्स्क ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सेकेंड स्टेट जिसने का सेंस किया है आफ्टर बिहार सो इसका जो आंसर है दैट इज आंध्र प्रदेश ओके कमिंग टू द नेक्स्ट वन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज जो है उसने अमृत भारत स्टेशन स्कीम जो है लॉन्च की है ताकि इंडियन रेलवेज के स्टेशन डेवलप हो सके वन थ्री जीरो नाइन स्टेशन जो है वो ऑलरेडी आइडेंटिफाई किए जा चुके हैं उस पर अपग्रेडेशन इज ऑलरेडी गोइंग ऑन देन आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वॉटरवे नाउ टॉकिंग अबाउट दिस वन इसने क्या लॉन्च किया है अभी इसने रिसेंटली हरित सागर जो है हरित सागर लॉन्च किया है दिस इज बेसिकली ग्रीन पोर्ट गाइडलाइन इसके अकॉर्डिंग जितने भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कार्बन इंटेंसिटी कम करनी है उसके साथ साथ एन्वायरमेंट फ्रेंडली इकोसिस्टम जो है जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं वहाँ पे हमें डेवलप करना है ठीक है क्या क्या यूज़ करना है हाइड्रोजन ग्रीन अमोनिया मिथेनॉल कुछ भी यूज किया जा सकता है बट इट हैज टू बी रिन्यूएबल ऑलरेडी देर आर पोर्ट्स जो जनरेट कर रहे हैं सर्पलेस रिन्यूएबल एनर्जी दीनदयाल पोर्ट है विशाखापट्टनम है और न्यू मैंगलोर पोर्ट है Then, अगर हम बात करें इंडिया जो है उसने स्टील स्लैग बेस्ड रोड कनेक्ट जो करता है एन एच सिक्स को किस से कंस्ट्रक्ट किया है ये जो स्टील स्लैग से बना है दिस इज ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वेरियस स्टील प्रोडक्शन कंपनीज एंड ये हजीरा पोर्ट एंड एन एच सिक्स के मतलब जो रोड उसे कनेक्ट करता है वहाँ पे बनाया गया है देन आते हैं कौन सा फाइनली जो है एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनता है एंड हैज बिन रिकोगनाइज बाय द गवर्नमेंट सूरत एयरपोर्ट ओके फिर आते हैं हम लोग एन जो है उसने काफ़ी सारी डेवलपमेंट शो की है वेन इट कम्स टू हाईवे ऑफकोर्स यू ऑल नो हाईवे का अमेजिंग काम चल रहा है आज की डेट में एंड दिस इज अंडर वॉट यहाँ पे जो है भूमि राशि पोर्टल और ये जो पोर्टल है इट इज सो 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 बेनिफिशियल कि अब जितनी भी एक्विजिशन एक्सेट्रा होनी है वो एक ही जगह पे की जा सकती है ताकि वहां पे क्या हो सके और uh, जो भी हाईवेज हैं वो बन सके देन आता है इंडिया जो है इट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर वॉट ग्रीन वोएज ट्वेंटी फिफ्टी प्रोजेक्ट ठीक है एंड दिस इज एक्चुअली बाय आई एम एंड इसका जो मेन एजेंडा है दैट इज ग्रीन हाउस गैसेज इमिशन को 50 परसेंट हमें अभी रिसेंटली इंडिया ने क्या किया है पापुआ न्यू गिनी जो है उसको प्लेज किया है दैट विल बी गिविंग सर्टन मनी बिकॉज वहाँ पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम रही है माउंट ओलाबुन वॉल्केनिकरप्शन हैड बीन सीन इन दिस कंट्री बिम्स्टेक की अगर हम बात करें एकवेटिक चैंपियनशिप ये कहाँ पर अभी रिसेंटली जो है अनवील की गई है इट इज इन इनाग्रेशन इसका कहाँ हुआ है न्यू डेली के अंदर कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सुफिलम जो है ये क्या है इट इम्फेसाइज ऑन नेटवर्किंग नॉलेज शेयरिंग एट्सेट्रा ये जो था अभी रिसेंटली सुफिलम का फुल फॉर्म भी देख लेना स्टार्टअप फॉरम फॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स ये कहाँ पर होस्ट हुआ है अच्छा ये एक सिर्फ ऐसा क्वेश्चन है जो मैं तुमसे पूछना चाहूंगी जल्दी से आंसर करो अब बात करेंगे नेक्स्ट चीज पे दैट इज नीति आयोग जो है उसने क्या लॉन्च किया है ग्रो इनिशिएटिव नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस इट इज इंडियाज वेस्टलैंड थ्रू एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब वहां पे डेवलप करो फॉरेस्ट को और उसको ट्रांसफर करो जितना भी वेस्टलैंड है तो दिस इज द मेन थिंग एंड यू शुड रिमेंबर इट कमिंग टू द नेक्स्ट वन एज यू गाइज नो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ऑलरेडी इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर जो है उसकी काफी डेवलपमेंट देखी जा रही है सो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज ही वेंट एंड उन्होंने वहां पर जाके टू करोड़ का जो है प्रोजेक्ट इनोग्रेट किया है सो so, इसका क्या नाम है पांडू पोर्ट पर इन्होंने इनोग्रेशन किया है कमिंग टू द नेक्स्ट वन सो आप जानते हैं जी ट्वेंटी फॉरन मिनिस्टर्स मीटिंग इस बार कहाँ हुई है इट वॉज इन रियो दे था हमारी यूनियन मिनिस्टर है यू वेंट दे एंड वहाँ पर उन्होंने इंक्लूजन के बारे में ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में जैसे आप जानते हैं दैट जी ट्वेंटी वॉज विद इंडिया सो रिकॉल्ड द इंक्लूजन ऑफ एफ्रीकन यूनियन तो अब जो जी ट्वेंटी है उसका पार्ट एफ्रीकन यूनियन भी है एंड दिस वॉज डन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री वेन जी ट्वेंटी वॉर्स इन इंडिया देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन चाइना जो है इट ओवर टुक जापान एंड नाउ बिकम्स द बिगेस्ट वहीकल एक्सपोर्टर इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इंटरनेशनल सोलर लाइन्स किसने ज्वाइन किया है माल्टा इज अ कंट्री विच इज ज्वाइंडेड देन अभी रिसेंटली अगेन गुवाहाटी साइड में क्या हुआ है ट्वेंटी सिक्स नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जो है वो बनाए जा रहे हैं ताकि स्टेट की जो कनेक्टिविटी है असम अरुणाचल प्रदेश सबके साथ क्या हो सके इम्प्रूव हो सके इम्प्रूव हो सके सो इसका जो है आंसर इज डिब्रुगढ़ तिनसुखिया ठीक है सुने तो होंगे आपने शायद नाम पेडो प्रोजेक्ट ठीक है बहुत जरूरी है एफ ए टी एफ की लिस्ट अगेन एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट सो रीसेंटली रिसेंटली किसको ग्रे लिस्ट से रिमूव किया गया है सो so, आंसर क्या है आइलैंड्स हैं और इनको क्या किया है रिमूव किया है फ्रॉम ग्रे लिस्ट इसको ऐड कब किया गया था ग्रे लिस्ट में 2021 में ठीक है इसके अलावा पनामा जॉर्डन अल्बेनिया ये भी हटाए गए हैं एंड बल्गेरिया जो है उसको क्या किया गया है ऐड किया गया है वेन इट कम्स टू द ग्रे लिस्ट ठीक है कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज उन्होंने अभी रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल क्रूज लाइनर जो है इंडिया में इनोग्रेट किया है उसका नाम क्या है द नेम ऑफ द सेम इज कोस्टा सरीना ठीक है देन आते हैं हम लोग अच्छा ये किसके अंडर है दिस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ देखो अपना देश इनिशिएटिव देन आते हैं हम लोग अभी रिसेंटली इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में काफी इंप्रूवमेंट्स देखी गई हैं, काफी सारे प्रोजेक्ट्स देखे गए हैं जैसे कि अखोरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लाइन दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट दूसरा पोर्ट खुलना मोंगला रेल लाइन एंड देन द थर्ड वन मेत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट ये तीनों आपको याद रहने चाहिए बिकॉज दिस कैन कम एन एग्जाम ये किस किस के बीच में है इट इज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश ठीक है सो अभी रिसेंटली वर्चुअली इनोग्रेट भी हुए हैं देन आते हैं इंडिया का कौन सी ऐसी चीज है जिसको इन स्पीशीज जो है उसमें से हटा दिया गया है फाइनली एंड इट्स गुड न्यूज फॉर इंडिया तो इंडिया के रेड सैंडर्स जो है उसको रिमूव किया गया है अ गुड न्यूज देन आते हैं इंडिया की कौन सी टॉप फॉर्म है दैट इज गेल गेल ने क्या किया है वर्ल्ड की फर्स्ट टाइम शिप टू शिप एल एन जी ट्रांसफर की है शिप टू शिप एल एन जी ट्रांसफर ऑफकोर्स दिस इज गोइंग टू कट द एमिशन कॉस्ट एटसेट्रा एंड विल बी वेरी यूजफुल बिजनेस बूस्ट करने के लिए वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम हुआ जरूरी है इसलिए बहुत ज़रूरी है एंड इट्स रिलेटेड टू गेल अगैन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया जो है अभी एक नई कंट्री के साथ टू प्लस टू डायलॉग स्टार्ट किया है इसी साल दैट इज इन 2023 ट्वेंटी थ्री सो आंसर क्या है यूके है इसके अलावा इंडिया किस किस के साथ करता है ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड स्टेट्स जो था फर्स्ट जिसके साथ टू प्लस टू डायलॉग स्टार्ट किया था जापान, रशिया यूके पांच नेशंस हैं याद होने चाहिए कैन कम अपन एग्जाम देन आते हैं हम लोग रशिया के साथ इंडिया ने कौन सी डील साइन की है वो कौन सी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है लेने वाला है इसका जो आंसर है दैट इज इगला एस ठीक है इगला एस हम लेने वाले हैं एंड देन इट कम्स टू माउंट एटना माउंट एटना जो है दिस इज़ वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव वॉल्ड कैनो इटली में बेस्ड है एंड अभी रिसेंटलीस देखने को मिले थे अब हम आ जाते हैं लास्ट लास्ट चीज पे इसके साथ आपके सारे करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं एंड आई होप आपने काफ़ी इंजॉय किए होंगे एंड आपने काफ़ी अच्छी रिविजन की होगी बिकॉज आपने ऑलरेडी मंथी करंट अफेयर्स किए हुए हैं वुड आर बीन क्वाइट यूजफुल इन केस आपने टॉप हंड्रेड करंट अफेयर्स का पार्ट वन नहीं देखा है प्लीज गो एंड वॉच इट आई लिंक इट डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड बस अब जल्दी से डिस्कशन करके आई विल बी यू गुड बाय वैन इट कम्स टू करंट अफेयर्स जापान की बात करते हैं यहाँ पे नया आइलैंड बना है सो so, अगर वर्ल्ड का न्यूएस्ट आइलैंड की बात करें दैट इज इन जापान और ये भी वॉलकैनिक इरप्शंस की वजह से फॉर्म हुआ है ठीक है so, सो ये जो है कहाँ पे एग्जैक्टली exactly डेवलप हुआ है जो आपने ओग्सवारा आइलैंड की चेन सुनी होगी ये जो चेन है ये रिकग्नाइज की जाती है एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन जापान ऑल्सो दैट्स वाई इट इज इम्पॉर्टेंट इसको बॉनन आइलैंड्स के नाम में नाम से भी जाना जाता है सो एग्जैक्टली यहाँ पे इसकी डेवलपमेंट हुई है न्यूली ये इमर्ज हुआ है एंड दैट्स वाई इट्स इम्पोर्टेंट सो स्टार मार्क कर लो और याद रखना ठीक है ऑल द बेस्ट की वर्किंग स्मार्ट एज आई ऑलवेज से एंड आई एम प्री श्योर योर नेम विल बी इन द लिस्ट